तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएफ के स्टॉक के बारे में, डीएलएफ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखा जो स्टॉक है बच्चा लंबे समय से हमको लगातार एक आप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर लोअर प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 1% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अब और गिरावट की कंडीशन में 489 का जो लेवल है ये यहाँ से स्टॉक में सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा 475 इसके बाद फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में 459 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 440 तक के लेवल्स को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट पर यहाँ से अगर स्टॉक में तेजी आती है तो यहाँ से अब तेजी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 507 का पहला एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर 514 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके बाद हमको स्टॉक में 530 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर 550 और अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर 570-580 तक के लेवल तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी स्टॉक में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।